नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। भोपाल, वुमन सेक्रेटरी कोर्ट द्वारा प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष दर्शन कौर ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे निरंतर बलात्कार हत्या की रोकथाम के लिए वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार बढ़ना चाहिए, लेकिन रोजगार बढ़ नहीं रहे, केवल बलात्कार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं, बस प्रदेश में बलात्कार ही बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 6 महीनों से हमारा प्रदेश बलात्कार में अव्वल नंबर पर आया है। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताइए, मेरा नाम दर्शन कोरी है और मैं वर्तमान में भी भोपाल का जिलाध्यक्ष हूँ वुमेन सिक्योरिटी फोर्स। पकड़ो तो महिलाओं को, पकड़ो तो सभी को। क्या मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग हमारी ये मांग नहीं है, इसे तो हमेशा चलना ही चाहिए और सरकारों को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा ही दिन प्रतिदिन बलात्कार के इतने मामले बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ना रोजगार चाहिए, बढ़ बलात्कार रहे हैं। जहाँ महिलाओं के संरक्षण की बात होना चाहिए वहाँ बात नहीं होती है। तमाम जो कल भोपाल रेलवे स्टेशन की बात बता रहा हूँ, भोपाल रेलवे स्टेशन पे भी कल रात में रेप हुआ है 22 वर्षीय बच्ची के साथ। इन बातों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी मतलब हमारे सरकार के और हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उन्हें इन चीज़ों पर विशेषता से ध्यान रखना चाहिए। जितनी सिक्योरिटी वो अपने लिए रखते हैं, यहाँ देख लीजिए आप, जितनी सिक्योरिटी वो अपने लिए रखते हैं उतनी क्या किसी महिला के लिए नहीं हो सकती? महिलाएं अब कंप्लेंट डालने जाती हैं, उनके अपराध नहीं लिखे जाते हैं, प्रकरण दर्ज नहीं होते हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इन्हीं मांगों को लेकर हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। दर्शन कोर, नारी के सम्मान में। मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, बलात्कार, अपहरण और हत्याओं के विरोध में और महिलाओं के विशेषकर रोजगार के लिए हम लोग सीएम को ज्ञापन देना चाहते हैं। नहीं, हमें कोई समय नहीं मिला है, चूँकि हमने परमिशन के लिए भी आवेदन लगाया गया था, लेकिन वो उन्होंने हमको परमिशन नहीं दी, तो इस वजह से हम लोग अब इन चीज़ों के लिए हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। कोई भी परेशानी आए, कोई भी रुकावट आए, लेकिन हम ज्ञापन देके रहेंगे। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर ब्रजवान सिंह राजपूत, राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, सोनू सोनोन मेरा नाम है, WSF से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम साहब को ज्ञापन देने की मांग कर रहे हैं। देखिए, भारतीय आध्यात्मिकता की प्रतीकता, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक भारतीय मनुष्यता के अंदर ये संस्कार होना चाहिए कि जिस देश में नारी सम्मान होता है उस देश में जीने वाली मनुष्यता सर्वोच्चता पर अपने स्थान को स्थापित करती है। आज विश्व भर में हम लोगों को जाना जाता है कि भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जहाँ पर महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिबद्ध रहा है। चाहे हम हमारे अध्ययन शास्त्रों को उठाए या हमारे पूर्व कालखंड के जितने भी हमारे धार्मिक शास्त्र उनको पढ़े, लेकिन जिस प्रकार से भारत की जो स्थिति देखने को आ रही है, महिलाओं के साथ में दुष्कर्म, महिलाओं के साथ में आर्थिक असुरक्षा की जो स्थिति चल रही है, वो काफ़ी दयनीय स्थिति है। अगर विश्व पटल पर बात होती है तो भारत को, मैं चाहता हूँ कि भारत संस्कृति के क्षेत्र में, महिला सम्मान के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पद पर स्थापित हो, लेकिन जिस प्रकार से बलात्कार और महिलाओं के साथ में दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ में दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, महिला आर्थिक असुरक्षा के भाव से गुजर रही है, तो निश्चित रूप से ये राम राज्य की व्यवस्था नहीं है। एक राम राज्य की और राम राष्ट्र की व्यवस्थाएँ वो होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिले, नारियों को सम्मान मिले, लेकिन वो बिल्कुल अनैतिक स्थिति चल रही है। तो हम लोग मानक विपक्ष बनकर सरकार से इस बात के लिए गुहार लगाने के लिए आए कि सरकार का चयन हम लोग इसलिए करते हैं कि जन परोपकारी शासन व्यवस्था को अनुकूल दृष्टि के साथ में स्थापित कर सके, लेकिन जब जल प्रतिकूल प्रवृत्ति इस राष्ट्र में हिस्सा लेगी तब तब हम लोग क्रांतिकारी स्वभाव के साथ में मानक विपक्ष बनकर सरकार को इस बात का संज्ञान दिलाने के लिए स्थापित होंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।